गबन की 28 टन बासमती चावल पुलिस ने किया ट्रक समेत बरामद। मैनपुरी के दन्नहार थाना क्षेत्र की पुलिस ने पिछले दिनों गायब हुए एक ट्रक में 28 टन बासमती चावल के गबन किए की सूचना पर ट्रक को माल सहित पकड़ा। इसमें एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिसके बाद आज उसको कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। क्षेत्राधिकारी मैनपुरी ने पूरी घटना का प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया। पूरी घटना की बात करें तो पिछली 20 तारीख को एक ट्रक जिसमें कि 28 टन बासमती चावल भरा हुआ था, जिसको मैनपुरी से चलकर दिल्ली जाना था और 23 तारीख तक उसको पहुंच जाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्काल ही प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर चावल से लदे हुए ट्रक को बरामद कर लिया। वहीं मौके से ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए माल की कुल कीमत 20 लाख रुपए की थी। पुलिस ने आरोपी को कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। मैनपुरी से अवनीश साख की रिपोर्ट। 20 नवंबर को एक ट्रक लगभग 28 टन बासमती चावल लेकर दिल्ली के किसी गंतव्य पर रवाना हुआ। इसको 22 तारीख को पहुंच जाना चाहिए था, नहीं पहुंचा। भेजने वाले मालिक ने बताया कि साहब ये ट्रक नहीं पहुंचा, लगातार उन्होंने संपर्क किया, कोई संपर्क नहीं हो सका। इस सूचना पर इन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया, तभी से हमारी दन्नहार की पुलिस इसमें लगी हुई थी। आज सकुशल ट्रक और ट्रक का ड्राइवर और पूरा माल 100% माल की बरामदगी करते हुए उस अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये माल लगभग 20 लाख रुपए का है और आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या सर कोई इनाम की गई थी इस घटना को अंजाम देने से पहले इनके द्वारा? इसके पहले कोई रेकी नहीं है, पहले से जानकारी का ट्रक था ये लेके आता जाता रहता है। अब इसकी नीयत खराब हो गई, इसलिए ये कहीं पे छुपा ले गया था।